समाजवादी पार्टी के टिकट ने मेरठ में एक उथल पुथल मचाई। पहले भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया गया, उसके बाद में अतुल प्रधान को टिकट दिया गया, अब सुनीता वर्मा को टिकट दिया गया है। भानु प्रताप सिंह एडवोकेट थे, दिल्ली के रहने वाले थे, अतुल प्रधान विधायक हैं सरधना के और मेरठ के रहने वाले हैं, और सुनीता वर्मा पूर्व महापौर हैं और मेरठ की रहने वाली हैं। आखिर समाजवादी पार्टी ने ये टिकट को लेकर के इतना कंफ्यूजन क्यों हुआ? हमारे साथ यहाँ मेरठ के ही लोग हैं और समाजवादी पर हम उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय सागर, मैं अजय जिला अध्यक्ष बाबा साहब वाहिनी समाजवादी पार्टी, और दूसरा मैं जिला प्रभारी प्रधान संगठन से हूँ। देखिए, ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है कि सामान्य सीट पर माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने दलित चेहरा उतारने का पहला ही संकल्पित थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उनका टिकट काट दिया गया था, जो भानु प्रताप जी थे। लेकिन फिर कुछ चीज़ें चली, लेकिन फिर उन्हें एक दलित चेहरे पर पुनः विश्वास करते हुए, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा चेहरा दलित समाज का आज बन चुका श्री योगेश वर्मा जी, उनकी धर्मपत्नी सुनीता वर्मा जी जो पहले मेरठ की महापौर रह चुकी है, उनको टिकट देकर पूरे इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक संदेश देने का काम किया। जो उनका पीडीए का संकल्प नारा है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जो उन लोगों ने नारा देने का काम किया, जो ये 85% जो जनसंख्या के लोग हैं उनको टिकट देकर इस मेरठ की धारा से एक संदेश देने का काम किया कि यहाँ जो धर्म की राजनीति है, उस धर्म की राजनीति से परे शर्म धर्म की बात करते हुए टिकट देकर यहाँ पूरी क्षेत्र की जनता मजबूत तरीके से मेयर को जैसे जिताया था उसी तरह से सांसद बनाकर संसद में भेजने का काम करेंगे। भानु प्रताप में क्या दिक्कत थी, अतुल प्रधान में क्या दिक्कत थी, तीसरी सुनीता वर्मा ये क्यों? देखिए, ये माननीय श्री अखिलेश यादव जी का निर्णय है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है, कहीं ना कहीं जो उनको फीडबैक मिली होगी किन कारणों से उनकी जो पूर्व में प्रत्याशी रहे होंगे उनकी कुछ ना कुछ कमजोरी रही होगी। दूसरा ये है, चलते चलते कि आज आप देखिए मेरठ के इस जितने तमाम दिग्गज नेता हैं, चाहे आप बात करो शाहिद मंजूर जी की, चाहे आप बात करो रफीक अंसारी जी की, आप पूरी मुस्लिम समाज के तमाम दिग्गज आज सुनीता वर्मा के साथ पर्चा नामांकन भराने के लिए आए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोपाल प्रधान है। गोपाल जी, ये बताइए कि ये कन्फ्यूजन क्यों, भानु प्रताप, अतुल प्रधान और सुनीता वर्मा? देखो, भानु प्रताप जी हमारे समाज के एक सम्मानित व्यक्ति हैं, और बस कारण ये रहा कि वे दिल्ली के निवासी हैं और यहाँ आकर चुनाव लड़ रहे थे। पहले भी नतीजे उनके मतलब चुनावी नतीजे ठीक नहीं रह पाए, इस वजह से बस जनता ने इनको जो है बाहर का पहले फीडबैक नहीं लिया था समाजवादी पार्टी ने। भाई, ये तो उनको पार्टी को पता हो गया, कार्यकर्ता को पता गया। ज़्यादातर बात यह है कि हम किसी और पार्टी में, पर लेकिन योगेश वर्मा जी के साथ हम तन से हैं, मन से हैं, धन से हैं, हर तरीके से योगेश वर्मा के साथ। आप योगेश वर्मा के साथ हैं या समाजवादी के साथ? हम योगेश वर्मा जी के साथ हैं। आपका क्या नाम है? अरुण कुमार जाटव जी। अरुण कुमार जी, सुनीता वर्मा को अब प्रत्याशी बनाया है, इससे पहले भानु प्रताप हुए, फिर अतुल प्रधान हुए, क्यों इतना कन्फ्यूजन था? देखिए, कुछ लोग समाजवादी को यहाँ कमजोर करने के चक्कर में थे, वे भारी प्रत्याशी को ला के यहाँ भाजपा को एक तरफा टच देने के चक्कर में थे। जनता की डिमांड और मांग, यहाँ एक मजबूत चेहरा योगेश वर्मा को चुनाव लड़ाने का मन था। जनता का फीडबैक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक गया, उन्होंने जनता की भावनाओं को समझा और ये टिकट दोबारा जनता की मांग पे दिया गया है। अब जनता ही चुनाव को उनको लड़ा रही है, मजबूत तरीके से लड़ा रही है, और जीत आकर सुनीता वर्मा जी को जिस तरह समीकरण मेयर के चुनाव में बने, वही समीकरण उसी पैटर्न पर चुनाव लड़ाकर सांसद भेजने का काम करेंगे। आपका क्या नाम है? प्रदीप वर्मा। प्रदीप जी, ये बताइए कि चुनाव गणित क्या है? क्या नाम है? दलित, पिछड़े, शोषित, मुस्लिम, भाईचारा बनाने वाले को नहीं मिलता मुस्लिम? नहीं मिलता, मगर जिस तरह से क्या नाम है योगेश वर्मा जी एक अपने पास सभी के लिए सुख दुख में साथ खड़े वाने 24 घंटे साथ, किसी भी समय आप इनके घर चले जाइए, रास्ते में मिल जाइए, हर तरह से हर आदमी का काम होता है, उनके सुख दुख में रहना ये बहुत बड़ी बात है। कभी इन्होंने ऐसा नहीं समझा कि ये किस समाज से है, हर समाज का काम क्या है, तो ये सर्व समाज इनको मिलकर जिता रहा है और बहुत पूर्ण बहुमत से जीतने जा रहे हैं। सुनीता वर्मा, आपने देखा पिछली बार मेयर रही है, मैं उनके साथ सदन में रहा हूं और अब भी मैं मौजूदा पार्षद हूं, तो उनका ही देन और उनका आशीर्वाद से मैं पार्षद ही करियर उन्हें देखते हुए, मैं राजनीतिक गुरु भी हैं मेरे, और आज फिर दोबारा पार्षद हूं। आप जो ऐसी समाज है, दलित समाज है, उसके मन में क्या सोच है? अब
सोच ये है कि बस क्या नाम है सुनीता वर्मा को संसद भवन तक समाज पार्टी को देते हैं वोट देते हैं, मगर ये मौका जो अखिलेश ने दिया है हमारे समाज पे जो एहसान किया है, आज तक जिस दिन से राजनीति शुरू हुई है मेरठ में कोई एससी नहीं लड़ा आज तक। विधायक जी ने योगेश्वर वर्मा जी ने टिकट मांगा और उन्होंने उनका सम्मान रखते हुए उन्हें पहली बार एससी को दिया है, तो एससी समाज चाह रहा है कि अब योगेश्वर वर्मा और सुनीता वर्मा। क्या नाम है? हम जयपाल सिंह यादव। क्या कहना है आपको? हमें ये कहना है कि ये जो कहता रहे कि तुम्हारा वजन ज़्यादा उसका वजन ज़्यादा, अब अध्यक्ष ने निर्णय ले लिया कि भाई जो लेडी आई है ना ये मेयर भी रही, इसका कद भी बड़ा है और जो एससी समाज जी का एक कैंडिडेट था पहले भी, लेकिन अब की बार भारी भरके और जीतने वाले हैं, अब तो हम जीतने वाले हैं, हौसला बुलंद है हमारा। अच्छा ये बताइए जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो रामायण के राम का किरदार निभाए हैं, कैसे जीतेंगे उससे? देखो वो एक क्या नाम है कलाकार है, राम का कलाकार क्या, मुझे भी किसी कलाकार के रूप में पेश करोगे मैं भी उस कलाकार के रूप में ही पेश करूंगा, मगर मैं वो हो नहीं सकता ना। राम भगवान है, इस सृष्टि को रचने वाले हैं, वे इस सृष्टि को चलाने वाले हैं, सब कुछ आप सब लोग राम से बड़ा कुछ है भी नहीं, मगर क्या नाम वे कलाकार हैं, बाहर से आए हैं, हमें कल को उनसे कोई काम पड़ेगा तो वे तो अपने कलाकार के रूप में हमसे बात करेंगे, तो हमें कोई मुंबई तो जाना नहीं होगा, एक साइन कराने किसी चीज़ के लिए समस्या हो जाएगी तो उनके लिए तो मुंबई तो जाना, में योगेश वर्मा जी को ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लोकल में रहने वाले व्यक्ति हैं समय पे मिल जाएंगे। आधुनिक राम जो है मर्सिडीज में चल रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए हैं उनकी क्या सिंपैथी, कभी आए जब से भाई पात्र बनना अलग है ये चीज़ अलग है, इसमें जो पीढ़ी है ना हमारा वो पीढ़ी बहुत भारी है, वो उसमें राम बनावटी राम साफ साफ जा रहे हैं, वो तो बेचारे वैसे ही ओल्ड एज में हो गए आ चुके हैं, ठीक है ना, हमारा कैंडिडेट सबसे तगड़ा है इस समय, आफ्टर ऑल द लेडी शी वाज आल्सो द मेयर, शी इज मेयर पर्सनलिटी, परिवार बड़ा पर्सनलिटी वाला है, इसलिए जब योगेश वर्मा छोटा चुनाव दो बार जीत गए, अब की बार बड़ा चुनाव जीतना है, बड़ा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज द बिग पोस्ट। अच्छा आपका क्या नाम है? मेरा नाम हेविन खान। हेविन ये बताओ पिछली बार समाजवादी पार्टी से मुसलमान नाराज था, नाराजगी की वजह क्या थी और इस बार क्या मुसलमान पार्टी को वोट देगा? नहीं देखो पिछली बार भी मेयर के चुनाव में जो वोट गिरा था मुसलमान तब भी नाराज नहीं था, मुसलमानों ने वोट दिया है हमारे प्रत्याशी को, पूर्व में 50,000 के आसपास वोट मिले थे, इस बार हमारे प्रत्याशी को 1,00,000 से भी ज़्यादा वोट मिले थे, मुसलमान नाराज नहीं है, जो भी हमारी पार्टी का फैसला है उसका स्वागत करेंगे, पार्टी ने जिसको सिंबल दिया जिसको चुनाव दिया वो जो भी प्रत्याशी है उसका संपूर्ण सर नाराज नहीं था, 1,24,000 वोट जो है AMIA में ले जाता है, अतुल प्रधान का विरोध कर रहे थे मुस्लिम विधायक पार्टी के? नहीं ऐसा नहीं है, पार्टी के बीच कोई कलह नहीं थी, पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा है, मैंने बताया तो हमारे पिछली बार उससे पहले जो नगर निगम के चुनाव हुए थे 4 पार्षद थे और लगभग हमारे प्रत्याशी जो दीपू मनोटिया लड़ी थी उन्हें 50,000 के वोट मिली थी, इस बार हमारे पार्षदों की भी संख्या बढ़ी और हमारी वोट की भी संख्या बढ़ी थी, तो नाराजगी कला परिवार में कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीज़ें तो चलती रहती है, समाजवादी एक परिवार है, सभी लोग आज इकट्ठे हुए हैं और जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी का फैसला था आज उस पर हमारा नॉमिनेशन हुआ है, सुनीता वर्मा पूर्व में मेयर भी रह चुकी हैं और कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है भाजपा के को 1,00,000 वोट से लगभग ही मात देती है। आपका क्या नाम है? दानिश चौधरी। दानिश क्या कहते हैं आप, सही फैसला? बहुत बढ़िया फैसला, इतना सम्मान जितना हमारे लीडर साहब ने दिया अखिलेश यादव जी ने, अपने चार्टेड पहले इनसे टिकट देकर कि जाइए नॉमिनेशन कीजिए, दलित समाज को अपने ऊपर उठा करके न्यूज लाए और के MP बनाने के लिए आपका सम्मान किया, इससे ज़्यादा और बढ़ के सम्मान और कुछ नहीं हो सकता। सही फैसला देर से लिया गया, बढ़िया फैसला।